हेलो एवरीवन मैं हूं दीपिका आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे क्लास टेंथ की हिंदी पाठ्यपुस्तक संचयन का पहला अध्याय हरिहर काका और इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर तो आइए शुरू करते हैं हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ कल भी उनके पास गया था लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई जिन यंत्रणाओं के बीच वह घिरे थे और जिस मनह स्थिति में जी रहे थे उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती हैं मुंह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती हरिहर काका की जिंदगी से मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ अपने गांव के जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरिहर काका भी एक है हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति के अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण हैं। उनमें प्रमुख कारण दो हैं एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा यह कि मेरी माँ बताती हैं हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार करते थे अपने कंधे पर बैठा कर घुमाया करते थे एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की हो माँ बताती हैं कि मुझसे पहले गांव के किसी अन्य से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी वह मुझसे कुछ भी नहीं छुपाते थे खूब खुलकर बातें करते थे लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया है जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और उस पर सवार लोग चिल्लाकर भी अपनी रक्षा न कर सकते हो क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं लेकिन मन इसे मानने को कतई तैयार नहीं जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका घिर गए हैं हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वो हल्का हो सके कोई ऐसी उक्ति नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस कूंगे पन का शिकार हो जाता हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे वह कौन सी स्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेवार है यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुरबारी का संक्षिप्त में परिचय मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी अधूरी ही रह जाएगी मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है हसन बाजार बस स्टेशन के पास गांव की कुल आबादी ढाई तीन हजार होगी गांव में तीन प्रमुख स्थान है गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष और गांव के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गांव के लोग ठाकुरबारी कहते हैं गाँव में इस ठाकुरबारी की स्थापना कब हुई इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं इस संबंध में गाँव में जो कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गाँव पूरी तरह बसा भी नहीं था कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते लोगों से मांगकर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे बाद में लोगों ने चंदा करके यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया फिर जैसे जैसे गांव बसता गया और आबादी बढ़ती गई मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो मुकदमे में विजय हो लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो लड़के को नौकरी मिल जाए फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी से ठाकुर जी पर रुपये जेवर अनाज चढ़ाते अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते यह परंपरा आज तक जारी है अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो जी की कृपा से मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीजों की तुलना में ठाकुरबारी का विकास हजार गुना अधिक हुआ है अब तो यह गांव ठाकुर जी से ही पहचाना जाता है यह ठाकुरबारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुरबारी है बल्कि पूरे इलाके में इसके जोड़ की दूसरी ठाकुरबारी नहीं ठाकुरबारी के नाम पर बीस बीघे खेत हैं धार्मिक लोगों की एक समिति है जो ठाकुरबारी की देखरेख और संचालन के लिए प्रत्येक तीन साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति करती है ठाकुरबारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना तथा धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है ठाकुरबारी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आता है ठाकुरबारी के आहाते में तंबू लग जाता है लोग और ठाकुरबारी के साधु संत अखंड हरि कीर्तन शुरू कर देते हैं इसके अतिरिक्त गांव में किसी भी पर्व त्योहार की शुरुआत ठाकुरबारी से ही होती है होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाता है दिवाली का पहला दीप ठाकुरबारी में ही जलता है जन्म शादी और जनेव के अवसर पर अन्य वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है ठाकुरबारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथावाचन करते हैं लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगुम निकालकर कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं ठाकुरबारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है मन और तन दोनों स्तर पर कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरबारी में ही बिताते हैं ठाकुरबारी में साधु संतों का प्रवचन सुन और ठाकुर जी का दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरबारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं उनके पिछले सारे पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुरबारी में जाना बंद कर दिया है पहले वह अक्सर ही ठाकुरबारी में जाते थे मन बहलाने के लिए कभी कभी मैं भी ठाकुरबाड़ी में जाता हूँ लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आंख नहीं सुहाते काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है हरिहर काका चार भाई हैं सब की शादी हो चुकी है हरिहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं बड़े और छोटे भाई के लड़के काफ़ी सयाने हो गए हैं दो की शादियां हो गई हैं उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं भाइयों में हरिहर काका का दूसरा नंबर है औलाद के लिए उन्होंने दो शादियां की लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया वह इतमान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे हरिहर काका के परिवार के पास कुल साठ बीघे खेत हैं प्रत्येक भाई के हिस्से पंद्रह बीघे पड़ेंगे कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर हैं शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी है कि हरिहर काका की अच्छी तरह सेवा करें, समय पर उन्हें नाश्ता खाना दें, किसी बात की तकलीफ न होने दें। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही फिर उन्हें कौन पूछने वाला ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो वह मुसीबत में पड़ जाते इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं सभी अपने कामों में मशगूल बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमा चौकड़ी मचाते मर्द खेतों पर गए रहते औरतें हाल पूछने भी नहीं आती दालान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर, -कर हरिहर काका की आंखें भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था उसी के आगमन के उपलक्ष्य में दो तीन तरह की सब्जी बचके चटनी, रायता आदि बने थे बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई सबों ने खाना खा लिया उनको कोई पूछने तक नहीं आया उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए दवनी हो रही थी वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा अंत में हरिहर काका ने स्वयं दालान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया भात मठा और अचार बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी झंड की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी भात बिखर गया विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक साथ बाहर निकल आई हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दालान की ओर चल पड़े समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है उसमें तो मैं दो चार नौकर रख लूं आराम से खाऊं तब भी कमी नहीं होगी मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबारी के पुजारी जी उनके दालान पर ही विराजमान थे वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार से सारी बात बताई उनके कान खड़े हो गए वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित समझा टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबारी में चले गए संयोग अच्छा था हरिहर के दालान पर नहीं जाना पड़ा रास्ते में ही हरिहर मिल गए गुस्से में घर से निकल कर खलिहान की ओर जा रहे थे लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया अपने साथ ठाकुरबारी पर लेते आए फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है सब माया का बंधन है तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस बंधन में कैसे फंस गए ईश्वर से भक्ति लगाओ उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं पत्नी बेटे भाई बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते तुम्हारे हिस्से में पंद्रह बीघे खेत हैं। उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन संकोच वस्त नहीं कह रहा था आज कह देता हूँ तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिख दो सीधे बैकुंठ को प्राप्त करोगे तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी जब तक तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे ठाकुर जी के नाम यह जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा साधु संत तुम्हारे पाव पखारेंगे सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बारी में गुजारना तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी एक मांगोगे तो चार हाजिर की जाएगी हम तुम्हें सिराखों पर उठा कर रखेंगे ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा अपना यह जन्म तुम अकार न जाने दो ईश्वर को एक भर दोगे तो दस भर पाओगे मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूँ तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी कौन किसका है पंद्रह बीघे जमीन की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी उनके जीवन में तो यह है स्थिति है मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया अंत समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा लेंगे लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था भाई का परिवार तो अपना ही होता है उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखते हैं उन्होंने मुँह से तो कुछ नहीं कहा लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आँखों से छिपे न रह सके अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई उन्होंने सही वार किया है इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तर लगाकर उसमें आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें हरिहर काका को महंत जी एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे इसलिए ठाकुरबारी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलीहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे फिर एक जगह बैठ कर हो गए हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुँचे उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते महंत जी बीच में आ गए आज हरिहर को यहीं रहने दो बीमारी से उठा है उसका मन अशांत है ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे इस पर ठाकुरबारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंततः भाइयों को निराश ही वहाँ से लौटना पड़ा रात को हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे घी टपकते मालपुए रसगुनिया लड्डू छेने की तरकारी दही खीर आदि पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे एक ही रात में ठाकुरबारी में जो सुख शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके भावी आशंका उनके मन को मथती रही पंद्रह बीघे खेत इस गांव की उपजाऊ जमीन दो लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई, तो फिर वह कहीं के न रहेंगे सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुरबारी पहुँचे हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई हरिहर काका का दिल पसीज गया वह पुनः वापस घर लौट आए लेकिन यह क्या इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार भाइयों की पत्नियों ने उनके पैरों पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की फिर उनकी आव भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार पांच महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद तीन भाइयों की पत्नियां और दो उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर वह समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज्यादा पैनी और असरदार होती है घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं। लोगों के कहने की जरूरत नहीं रहती न तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू कुछ लोग कहते कि हरिहर काका को अपनी जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख देनी चाहिए इससे उत्तम और कुछ नहीं इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है अपनी जायदाद उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी जितने मुंह उतनी बातें ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बटने लगे थे कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू, -तू मैं में भी होने लगी थी एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख दे तो यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकती इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े हैं असल में सुबह शाम जब ठाकुरबारी में भोग लगाया जाता है तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रतिभाशाली विचारों वाले लोग तथा वैसे किसान हैं जिनके यहां हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे थे इधर भावी आशंकाओं के मद्देनजर रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे थे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिख दें। उनके सिवाय उनका और अपना है ही कौन इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर बात की अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा चाहे वह आपका भाई या मंदिर का महंत ही क्यूँ न हो हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी जिंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी लेकिन इसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे अपने भाइयों को समझा दिया मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी जमीन लेकर तो जाऊंगा नहीं इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत उधर महंत जी भी हरिहर काका के टोह में रहने लगे जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते विलंब ना करो हरिहर शुभ काम में देर नहीं करते चल कर ठाकुरबारी के नाम जमीन बय कर दो फिर पूरी जिंदगी ठाकुरबारी में राज करो मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा देवलोक को प्राप्त करोगे लेकिन हरिहर ना कहकर ना। ना कह वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही और हाँ तो उन्हें कहना ही नहीं क्योंकि अपनी जिंदगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है एक और वह चाहता है ठाकुर ठाकुरबारी को लिख दो किन्तु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोहमाया में बध जाता है इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी बात अभी हाल की ही है आधी रात के आसपास ठाकुरबारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा बंदूक से लैस एका एक हरिहर काका के दालान पर आधम के हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे इससे पहले कि वे जवाबी कार्यवाही करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी न ही सुनी थी सारा गांव जाग गया शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले उन्हें लगा कि यह महंत का काम है वे मैं दलबल ठाकुरबारी जा पहुँचे वहाँ खामोशी और शांति नजर आई रोज की भांति ठाकुरबारी का मुख्य फाटक बंद था वातावरण में रात का सन्नाटा और सोनापन व्याप्त था उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं बाहर के डाकुओं का है वे तो हर जाने की मोटी रकम लेकर हरिहर काका को मुक्त करेंगे खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रत्यक्ष करते इसी समय ठाकुरबारी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज सुनाई पड़ी सबके कान खड़े हो गए उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना वे ठाकुरबारी का फाटक पीटने लगे इसी समय ठाकुरबारी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे वे तितर बितर होने लगे अपने हथियार संभाले लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुरबारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई वह गिर गया उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग निकले सिर्फ वे तीनों भाई बचे रह गए अपने तीनों के भूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा इसलिए वे कस्बे से पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े इधर ठाकुरबारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे जिस महंत को वह आदरणीय और श्रद्धेय समझते थे वह महंत अब उन्हें घृणित दुराचारी और पापी नजर आने लगा अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज्यादा पवित्र नेक और अच्छा लगने लगा हरिहर काका ठाकुरबारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया गया हरिहर अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था एक और ठाकुरबारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़ समझाने का कार्य चल रहा था तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबारी आ पहुंचे जीप से तीनों भाई एक दरोगा और पुलिस के आठ जवान उतरे पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबारी के फाटक पर आवाज लगाई दस्तक दी लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबारी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया ठाकुरबारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते लेकिन विशालकाय ठाकुरबारी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल लिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबारी पहुंचेंगे तो ठाकुरबारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ठाकुरबारी के अंदर से एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था सुबह होने में अभी कुछ देर थी इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबारी का फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगा रहे थे साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे लेकिन ठाकुरबारी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबारी का फाटक खोल दिया उस साधु की उम्र अस्सी वर्ष से अधिक की होगी वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुँच हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा डांट लगाई धमकियां दी लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता मुझे कुछ मालूम नहीं ऐसे वक्त तो पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं लेकिन उस साधु की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबारी की तलाशी लेने लगे लेकिन न तो ठाकुरबारी के नीचे के कमरों में ही कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबारी में नहीं मिला हरिहर काका के भाई चिंता परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए ठाकुरबारी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर कहाँ भाग गए अब क्या होगा काफी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ ठाकुरबारी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई थी बाद में जिन कमरों की चिटकनी बंद थी उन्हें भी खोल कर देखा गया था एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्र हो गए उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई तो उसने साफ कह दिया मेरे पास नहीं जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है तब उसने जवाब दिया अनाज है पुलिस इंचार्ज अभी यह विचार ही कर रही थी कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया पुलिस के जवान सावधान हो गए ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खोल उठा उस वक्त अगर महंत पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो वे जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध ही दिए गए थे उनके मुंह पर कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था हरिहर काका जमीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाजे पर धक्का लगाया था काका को बंधन मुक्त किया गया मुंह से कपड़े निकाले गए हरिहर काका ने ठाकुरबारी के महंत पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू किया कि वह साधु नहीं डाकू हत्यारे और कसाई हैं कि उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनसे अंगूठे के निशान लिए आदि हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए उनके शब्द शब्द में साधुओं के प्रति नफ़रत और घृणा व्यक्त हो रही थी जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबारी के महंत पुजारी और साधुओं के बारे में कहा अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे इस बार उन्हें दालान पर नहीं घर के अंदर रखा गया था किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था हथियार जुटा लिए गए थे चौबीसो घंटे पहरे दिए जाने लगे थे अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव में निकलते तो चार पांच की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते रात में चारों तरफ से घेर कर सोते भाइयों ने ड्यूटी बांट ली थी आधे लोग सोते तो आधे लोग जाकर पहरा देते रहते इधर ठाकुरबारी का दृश्य भी बदल गया था एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबारी में आ गए थे उन्हें देखकर ही डर लगता था गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबारी की ओर जाना ही बंद कर दिया हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही दो वर्गों में बट गया था इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं इसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं इसी गांव में जायदाद हीन भाई को कौन पूछता है हरिहर काका को अब सब नजर आने लगा था महंत के चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब वह जान गए थे ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा पाठ करने का ढोंग रचाया है साधु के बारे में महंत पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी लालची और कुकर्मी हैं। छल बल कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबारी को इन्होंने माध्यम बनाया है एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन यह तय कर लिया था कि अब महंत को वे अपने पास फटकने तक नहीं देंगे साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे लोग निकाल कर फेंक देंगे कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं बुढ़ापे का दुख पिताए नहीं बीतेगा लेकिन हरिहर काका सोच कुछ और रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था ठाकुरबारी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था उसी दिन से उनके भाई और रिश्ते नाते के लोग समझने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिखते वह जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिद्ध दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है सुबह दोपहर शाम रात गए तक यही चर्चा लेकिन हरिहर काका साफ न कर जाते कहते मेरे बात तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः मिल जाएगी इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लिए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया लेकिन काका इस रास्ते भी राजी नहीं हुए स्पष्ट कह दिया कि अपनी जिंदगी में वह नहीं लिखेंगे बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण कर लिया जो रूप महंत और उसके सहयोगियों ने धारण किया था हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैनात रहते थे उन्हें अपना अभिन्न समझते थे जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे कह रहे थे सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ जरूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो अन्यथा मार कर यही घर के अंदर गाड़ देंगे गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है हरिहर काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार उन्हें मार दे वह ठीक होगा लेकिन अपनी जमीन लिख कर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे यह ठीक नहीं होगा रमेशर की विधवा को बहला फुसला उसके हिस्से की जमीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली शुरू में तो उसका खूब मान किया लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगता अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाते हरिहर काका को लगता कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पाँव पखारते होते हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा मैं अकेला हूँ तुम सब इतने हो ठीक है मुझे मार दो मैं मर जाऊंगा लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा तुम सब ठाकुरबारी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे लिखना तो तुम्हें है ही चाहे हंस के लिखो या रोके हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था प्रतिकार करने पर अब हुए प्रहार भी करने लगे थे अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था उन्होंने तत्ण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे ठाकुरबारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक चली गई थी लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझाते थे कि अपने परिवार का निजी मामला है इससे दूसरों को क्या मतलब लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी वह पुलिस की जीप के साथ आधम के पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया घर तलाशी शुरू हुई फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुरबारी बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं कि उन्हें खूब मारा पीटा है कि उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते हरिहर काका के पीठ माथे पाओ पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे वह बहुत घबराए से लग रहे थे कांप रहे थे अचानक गिरकर बेहोश हो गए मुंह पर पानी छीट कर उन्हें होश में लाया गया भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए थे हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के चार जवान मिले हैं हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं असल में भाइयों की चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तब ठाकुर बारी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे और यही चिंता महंत जी की भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें दबोचेंगे इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंती जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के चार जवान तैनात कर दिए गए हैं जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबारी और अपने भाइयों की ओर से ही मिली है ठाकुरबारी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोड़ जबरदस्ती ना करने पाए साथ ही अपना सदभाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। गांव के एक नेताजी हैं, वह न तो नौकरी करते हैं और न खेती गृहस्थी फिर भी बारह महीने मौज उड़ाते रहते हैं राजनीति की जादुई छटा उनके पास है उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए उससे उनका नाम अमर हो जाएगा उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र है हरिहर काका आंगन खेत खलिहान अलाव बगीचे बरगद हर जगह उनकी ही चर्चा उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उनका कोई अंत नहीं लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं राम जाने क्या होगा दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे दस गुना अधिक उगल देता है फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता रहस्य खत्म नहीं होता आशंकाएं बनी रहती हैं लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबारी को मिलता तो ठीक रहता दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता ठाकुरबारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती खबर झूठी है कि सच्ची इस पर कोई ध्यान नहीं देता जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका आगे बढ़ा देता है एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को खत्म क्यों नहीं कर दिया बात ही आगे नहीं बढ़ती एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है इस संबंध में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है हरिहर के पंद्रह बीघे खेत में से पांच बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा इससे पहले भी इस तरह के दो तीन मामले बुटन ने निपटाए है पूरे इलाके में इसके नाम की तूती बोलती है एक चौथी खबर भी आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे रहस्यात्मक और भयावह खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आया है नहीं एक न एक दिन उसे मरना ही है फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गाँव आ जाएगा उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता यह कोई छोटी लड़ाई नहीं एक बड़ी लड़ाई है जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी जिंदगी के शेष दिन काट रहे हैं एक नौकर रख लिया है वही उन्हें बनाता खिलाता है उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की जिंदगी बिता सकते थे लेकिन वह तो गूंगेपन के शिकार हो गए हैं कोई बात कहो कुछ पूछो कोई जवाब नहीं खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती कर रहे हैं जिसका धन वह रहे उपास खाने वाले करे विलास अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं आज के इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ थैंक यू